ये डुब्बू पुचकी बिल्कुल ठीक है, देखो देखो बिल्कुल ठीक है पुचकी। पर मेरी पुचकी को खा जाती तो? ऐसे कैसे खा जाती? मेरा डुब्बू है ना यहाँ पर, उसने कैट को भगा दिया। बहुत ही बहादुरी का काम किया आपने, आप तो मेरे बहादुर बच्चे हो। हाँ लल्ला, वो तो कितना बहादुर है, गंदी सी बिल्ली को भगा दिया। देख कितनी खुश है, तुझे धन्यवाद दे रही है। यू आर वेलकम पुचकी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अभी इसे लेकर अंदर चल, अंदर बिल्ली नहीं आती, चल। हाँ हाँ, पुचकी की पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। आप लोग इसे संभाल के लेके चलो, और हाँ ध्यान से उठाना। गिर जा ध्यान से। बता नहीं सकती हूँ वर्षा के डुब्बू कितना एक्साइटेड है। ये बच्चे भी कितने क्यूट होते हैं ना अक्षरा। बहुत भोले होते हैं, खेल को असल समझ लेते हैं। तो जी याद नहीं, हम भी तो ऐसे ही करते थे, पत्ते तोड़कर खाना बनाते थे खिलौनों में। और नहीं तो क्या, और क्या करते थे, गुड़ियों की शादी के लिए हफ्ते हफ्ते भर तैयारी करते रहते थे। हाँ अनन्या भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, पता है अपनी डॉल से इतना लगाव हो गया ना कि पूछ मत। वैसे वर्षा अच्छा ही है ना, इन बच्चों के सहारे हम भी दोबारा से अपना बचपन जी लेते हैं। तो अनन्या को रेडी रखना, मैं गिरजा को भेज दूंगी, वो ले आएगी। ओके। अरे अक्षरा को एक बार फोन कर लेता हूँ, सुबह से बात ही नहीं हुई, ऑफिस आने के चक्कर में बाय तक नहीं कहा, बस जल्दी में निकल ही गया। अच्छा वर्षा, वर्षा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, नैतिक का फोन आ रहा है। चल जी बाय। उठा नहीं रहे लगता, बिजी, बाद में देखेंगे तो खुद फोन करेंगे। वर्षा बेटा। जी दादी। अनन्या गई? हाँ दादी, वो गिरजा आई थी उसके साथ चली गई। उन लोगों को यश को लेने भी जाना था ना, पार्टी में जाने की बहुत जल्दी थी उन दोनों को। अरे बढ़िया, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बस ये कुर्सियां झाड़ रही थी और मुझे मालूम ही नहीं था कि अनन्या की गुड़िया यहाँ पर रखी हुई है, पता नहीं कैसे टूट गई, ये भगवान अब क्या करे। अनन्या तो बहुत रोएगी, उसकी तो जान बसती है इसमें। भगवान, बेचारी मेरी बच्ची देखेगी तो कितना परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी वो। वर्षा बेटा तू कुछ कर ना, कुछ तो सोच। मामे मैं क्या करूँ, ये तो जुड़ भी नहीं रही है, पता नहीं ऐसी गुड़िया आस पास कहीं मिलेगी भी या नहीं, इतने साल पहले खरीदी थी मेले में। डरना मत, सिर्फ दो मिनट की बात है। कंग्रेचुलेशन चिनको, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। चलो ये देखो, वाओ बहुत ब्यूटीफुल है, और तेरे फिश कहाँ है? अरे वो तो दुल्हन है भाई, चलाओ दिखाता हूँ। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। One, two, three. ये देखो। अच्छी लगी? वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। सच में? अरे ये तो मुंह खोलकर स्विमिंग करती है, इसके पेट में पानी नहीं जाता। ये तो खुद ही पूरी पानी में है ना, इसको आदत होगी। तुमको पता है मेरी कृष्णा बहुत ब्रेव है, पूरे घर में अकेली रहती है। जितना बहादुर हमारा लल्ला, उतनी बहादुर उसकी मछली। आपको पता है बेटा, आज लल्ला ने एक डरावनी बिल्ली से इस मछली को बचाया। अच्छा हुआ ना आज बच्चे आ गए, कितना मजा आ रहा है सबको। बताओ एक छोटा सा प्राणी सबके दिल में इतना प्यार भर सकता है, कोई सोच भी सकता है? इसका नाम क्या है ना? पुचकी। पुचकी? हाँ, ये पिचक गई इसलिए इसका नाम पुचकी रख दिया। हाँ ना, ये नाम बहुत ही अजीब है। ये नाम सच में अच्छा नहीं है अनन्या दीदी, उतना बैड भी नहीं है जिसको, पर इससे अच्छा नाम हो सकता है, हम इसका नया नाम रख लेते हैं। अभी इसको कुछ ही नाम की आदत नहीं होगी, एक ही दिन तो हुआ है। तो फिर बता क्या नाम रखे। सोचना पड़ेगा। माँ देख रही है, मछली का नामकरण हो रहा है। देख रही हूँ,
और सोच भी रही हूँ कि आगे आगे क्या होगा इस घर में। जन्मदिन, शादियाँ, सब होंगे अब यहाँ, है ना? मिशन अकॉम्प्लिश्ड। आज का सारा काम खत्म और बाकी का काम घर जाके भी किया जा सकता है। ग्रेट। चलिए मिस्टर नैतिक सिंघानिया, अब आप जल्दी से घर चलिए और घर जाके अपनी बीवी को सरप्राइज कर दीजिए। खुश हो जाएंगी वो। कल भी आप बहुत लेट गए थे और आपके चक्कर में अक्षरा ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। आज तो दिन भर आपको बहुत टाइम मिला होगा लक्ष्य को पढ़ाने का, अब बाकी का टाइम आप मेरे लिए रखिए। ओके, अब दमयंती रख देते। दमयंती? इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी तो पुचकी भी नहीं है बड़ी दादी। इसका नाम सोनी रखते है ना बेटा? सोनी तो लगता है जैसे आधा नाम हो, पूरा रखो ना, सुनीता, सुनिधि। ऐसे तो हो चुका नामकरण, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। गोल्डी रखते है, ये गोल्डन है इसलिए गोल्डी। हाँ? हाँ। यस गोल्डी, अच्छा नाम है ना नन्या दीदी। हाँ। अच्छा, जब मैंने सुनहरी कहा था तो तू माना नहीं था, हा? और अब उसी का अंग्रेजी नाम रख रहा है, हा? गोल्डी, देखो। भाभी माँ, तो फिर ठीक है, तय है, आज से हमारी फिश का नाम गोल्डी सिंघानिया। ओ, ये गोल्डी सिंघानिया। थैंक यू यश। अरे तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना। गोल्डी, हाय गोल्डी। वाह, उसे अपना नया नाम पता चल गया, वेरी स्मार्ट। मेरी फिश है ना, नहीं फिश गर्ल होती इसलिए स्मार्ट होती है। माँ, माँ देखिए गुड़िया मिल गई। ये देखिए, बिल्कुल वैसी है, देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसी ही गुड़िया है। पता है, सारी दुकानों में ढूंढ डाला, ढूंढ ढूंढ कर बस मैं वापस आ ही रही थी कि सिग्नल पर एक औरत देखी, उसके हाथ में ये डॉल थी, मैंने तुरंत ले ली। अपने बच्चे का उदास चेहरा देखा नहीं जाता मुझसे, पर सच कहूं तो मैं अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हूं। माँ, हम सच छुपा रहे हैं अपनी बच्ची से। सच जानकर दुख तो होगा उसे बड़ी बहू, पर झूठ बोलकर किसी का नुकसान भी तो नहीं होगा, फिर दिक्कत किस बात की है? वर्षा, कहीं वो गुड़िया को पहचान तो नहीं लेगी, बहुत सालों से देख रही है उसे, कोई तो पहचान होगी। हाँ होगी तो सही, लेकिन इसे देखकर मुझे नहीं लगता है कि वो इसे पहचान पाएगी। वर्षा बेटा, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही होगा। हैप्पी बर्थडे गोल्डी, हैप्पी बर्थडे गोल्डी, ये। मम्मा, अब हम हर साल गोल्डी का बर्थडे इस दिन सेलिब्रेट करेंगे। अरे! और मम्मा, अब आज की डेट याद रखना, ओके? ओके, अब चलो केक कट करें, चलो तीनों साथ में मिलके काट। हैप्पी बर्थडे पुचकी, वी सॉरी गोल्डी। मम्मा, अब गोल्डी के साथ मेरा एक फोटो खींचना, सिर्फ तेरा, मेरा नहीं और मेरा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सब लोग वहां खड़े हो जाओ, मैं सबका एक साथ खींचती हूँ। ओके, स्माइल स्माइल। चलो अभी हम गेम खेलते हैं। मम्मा, आप हमें गेम खिलाओगी? हाँ चलो अब गेम खेलते हैं। ओके, हाँ। ये हेलो एवरीवन। हेलो मम्मा जी। हेलो पापा। हेलो मामा जी। हाय पापा। पापा, हम गोल्डी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी आओ ना। गोल्डी? पुचकी का नया नाम गोल्डी। ओ ओके ओके। पापा आप भी हमारे साथ खेलो ना। नहीं नहीं नक्ष, पापा बहुत थक गए, आप लोग खेलो। ओके, आप चाय लेंगे नैतिक? आप बना देंगी तो अच्छा। आप नहीं मामा, आप हमारे साथ खेलो, दादी बनाकर दे देगी ना पापा को चाय। बेटा। हाँ बहू, तू यहीं रह, मैं चाय बना देती। सॉरी नैतिक, ये बच्चे भी ना। इट्स ओके अक्षय, आप इन्हें खिलाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे लेकिन एक ही कप, आपकी चाय कहाँ है? अरे मैं तो अपनी चाय नीचे ही भूल गई, अभी लाई। मामा जल्दी आओ ना।
सुना आपने, मैं अभी आई, आप चाय पीजिए आराम से, मुझे सारा काम खत्म करके यश और अनन्या को घर भी पहुंचाना है, ठीक है? और बेटा कैसा रहा सब? बढ़िया, बहुत मजा आया, हमने केक भी काटा, गेम भी खेला और गाना भी गाया। आपको पता है बड़ी दादी, बुआ ने हमें ना रिटर्न गिफ्ट दी थी, ये देखो। दिखा दिखा दिखो। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। कैसे आई? हमने रखी बेटा, तुम तो इसे ऊपर वहाँ छोड़ा ही थी, हमने यहाँ ला कर रखी। थैंक यू बड़ी दादी। मम्मा, अभी से नहलाया क्या? हाँ बेटा, वो मुझे लगा कि क्यों मम्मा, ये तो बहुत क्लीन हो गई। बहू सुबह से लगी हुई है बेटा, छोड़ दे ये काम, जा आराम कर। बस मैं एक थोड़ा सा काम बचा है, इसे निपटा दूं। सुबह से यही बात तेरे मुंह से सुन चुकी हूँ, लल्ला को पढ़ा दूं फिर आराम करूं, पार्टी करवा दूं फिर आराम करूं। पढ़ाई हो गई, पार्टी हो गई, लेकिन तेरा आराम नहीं हुआ। मैं कर लूंगी बेटा, तू जा। बस माँ जा ही रही हूँ, ये कॉफी हो जाए। मुन्ना भी पिएगा साथ में? चल फिर, ठीक इस बहाने थोड़ा समय तो साथ में मिलेगा दोनों। शाम से आया हुआ, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त है और तू अपने कामों में। नैतिक भी सो गए बेचारे। नैतिक शाम से कितनी बार पूछ चुके थे। कोई बात नहीं, कल संडे है ना, पूरा दिन साथ में रहेंगे और कॉफी भी साथ में पियेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल रात को काफी लेट हो गया, बहुत काम था। मैं भी टीवी देख रहा था, ये सोचकर कि संडे कोई प्लान तो है नहीं, लेकिन पता नहीं कब आग लग गई। परसों की भी नींद पूरी नहीं हुई थी ना, इससे मैं नहा के आती हूँ। राधे कृष्ण बेटा, जीते रहो। बड़ी दादी हम थोड़ी देर झूला झूल ले जाए। हाँ बेटा जाओ, हम लोग वहाँ बैठते हैं सामने। ध्यान से बेटा, गिरना नहीं।
बच्चे कितना घुल मिल गए ना आपस में, इनसे कितना मन लगा रहता है ना, पूरे परिवार में कितनी रौनक रहती है। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? पत्नी को गुजरे कई साल हो गए, 3 बच्चे, 2 विदेश में रहते हैं, मैं अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ रहता हूँ, निशि के माता पिता। ये तो बहुत खुशी की बात है कि सब साथ साथ रहते हैं, इस उम्र में बच्चे पोते पोती साथ में हो तो हम बूढ़ों को और क्या चाहिए। हम बूढ़ों को क्या चाहिए उसकी फिक्र किसे, उनका काम चलना चाहिए बस। हम साथ हैं तो बच्चों के लिए नौकर रखने की क्या जरूरत है हमें? नाना भाई साहब, जो लाड प्यार हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वो कोई पराया थोड़े ना देगा। इस उम्र में अपने पोते पोती का चेहरा देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। शायद यही सोचकर आपके बहू बेटे ने निशि की जिम्मेदारी आपको सौंपी होगी कि वो आपके साथ रहेगी तो आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखेगी, आपसे जुड़ाव बढ़ेगा। अरे सुबह सुबह वीडियो गेम? हाँ, आज संडे है ना, संडे मतलब पंडे। यस अक्षरा, वैसे तो हमारा उठने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन फिर पूजा के लिए हमें फ्रेश होकर आना पड़ा तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी मस्ती कर ले। आज बॉयज का मस्ती का डे है मामा, और गर्ल्स डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ओ अच्छा, और पापा एक टीम में और मामा? कोई बात नहीं पापा, हम मामा को भी अपनी टीम में रख लेते। अच्छा अच्छा, एक टीम में, एक टीम में, एक टीम में हो। मम्मा अगर आपको हमारी टीम में आना है तो आपको हमारे लिए यम्मी यम्मी पिज्जा बनाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में पिज्जा? वैसे अक्षरा मजा आ जाएगा। आप भी? क्यों, पिज्जा में क्या बुराई? मम्मा और साथ में स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी। ओके सर, और कोई हुकुम, और कुछ चाहिए? नो थैंक्स। ओह और मम्मा आप ब्रेकफास्ट ना इधर ही दे देना, पापा मैं वीडियो गेम खेल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, दूध पी लो। हाँ चलो, जाओ रेडी रेडी। और ये तो किसे कैसे ये देखो ये देखो। आज तो बिल्कुल फैमिली संडे है, तीनों एक साथ। मैं भी फटाफट से अपना काम खत्म करके यहाँ इनके पास आ जाती हूँ। मेरे विचार से भाई साहब हमें अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना ही बेहतर होता है। आपको अपने बहू बेटे से खुलकर बात करनी चाहिए, हो सकता है कोई गलत फहमी हो आपको या उनको। दादाजी हम लोग वो वाले झूले में जाएं? नहीं बेटा, अब घर चलते हैं। ओके बाय निशि, बाय अन्नू, कल फिर मिलेंगे। पक्का? पक्का। अब चले बेटा। ओके राधे कृष्णा दादाजी। राधे कृष्णा बेटा, जीते रहो। अच्छा भाई सब चलते हैं, राधे कृष्णा। ओके बहू, तुम्हारे दादाजी की डॉक्टर की फाइल देखी कहीं तुमने? पानी दवा फाइल सब कुछ एक साथ बाहर टेबल पे रखा हुआ है ताकि कुछ छूट ना जाए, और अपॉइंटमेंट कल डॉक्टर से ले ली थी। कितना ख्याल रहता है तुझे इन सब चीजों का बेटा। आज बना क्या रही है तू बहू, बाहर तक इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सुबह सुबह नैतिक और डुब्बू कह रहे थे पिज्जा खाना है तो बस वही बना रही हूँ। आप सब लोगों के लिए भी बनाऊं? नहीं नहीं, अब तो हम आके ही नाश्ता करेंगे, डॉक्टर का समय भी हो रहा है ना, और अब भूख भी नहीं। आज और लल्ला के साथ ही नाश्ता कर ले। कमरे में ही खा लेना बेटा, और यहाँ काम की चिंता मत कर, काम का क्या है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए अरे लगता बन गया। मजा आएगा ना, नैतिक मैं
तीनों एक साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।